सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम आए हैं दो क्रूजर सेगमेंट्स की बाइक लेकर कंपैरिजन करने के लिए, जिसमें से पहली बाइक जो है वो है होंडा CV350। वहीं अगर दूसरी बाइक की बात करी जाए तो दूसरी बाइक है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350, जो कि अपने पास है यहाँ पर। ये जो मॉडल है ये स्टेलर मॉडल हमने अभी अपने साथ लाए हैं, जो कि है स्टेलर मॉडल, जो कि आता है मिडल में। और इसके अंदर आपको टोटल चार वेरिएंट देखने मिलते हैं, जिसमें फायरबॉल, स्टेलर, सुपरनोवा और ओरोरा मॉडल आता है। और अगर बात करूँ होंडा CV350 की, तो होंडा CV350 में आपको टोटल दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से अभी हमारे पास बेस मॉडल है। इन दोनों की ही फीचर्स से लेके प्राइसिंग से लेके क्या कुछ डिटेल्स है, क्या कुछ कंपैरिजन इन दोनों का बनेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा CV350 के फ्रंट लुक और फ्रंट वाइज़र वगैरह की, तो यहाँ आपको एक ट्रांसपेरेंट वाइज़र देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आता है, बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आता है। अभी वहीं अगर बात करी जाए इसकी लाइट की, तो यहाँ आपको लाइट जो है फुली LED सेटअप के साथ, DRL के साथ ये लाइट देखने को मिल जाती है। मैं ऑन कर देता हूँ, देखेंगे कुछ इस तरीके की लाइट निकल के आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड करवाती है। वहीं बात करूं इसकी इंडिकेटर्स की, तो जो है वो आपको LED सेटअप के साथ इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। लुक काफ़ी अच्छा है इंडिकेटर का, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज लुक निकल के आता है, काफ़ी बढ़िया साइज निकल के आता है, दिखा देता हूँ। बाकी थोड़ा सा चले नीचे सस्पेंशंस की तरफ, तो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने मिलेंगे ऊपर कवरिंग के साथ, जो कि लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पर फ्रंट का जो मडगार्ड है वो फुल्ली मेटल्ड में मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको फ्रंट में 19 इंच के अलॉय व्हील के साथ 310 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है, 19 इंच का एलॉय होगा। वहीं अगर टायर की बात करूँ 100/90 आपको ट्यूब व्हीलर्स टायर MRF का जैपर देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का निकल के आता है। यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। अभी चलते हैं मीटियोर 350 की तरफ, तो मीटियोर 350 की अगर मैं बात करूँ फ्रंट लाइट के साथ, तो मीटियोर में आपको फ्रंट में DRL तो LED देखने को मिल जाता है, बट बल्ब जो है वो हैलोजन बल्ब ही देखने के लिए मिलेगा। वहीं यहाँ बात करूँ मैं इसके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके के कॉम्पैक्ट साइज़ के देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ हैलोजन बल्ब होगा इंडिकेटर के अंदर, और रिफ्लेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर येलो कलर का देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो यहाँ सस्पेंशंस आपको टेलीस्कोपिक देखने मिलेंगे, सस्पेंशंस के अंदर ही आपको ये रिफ्लेक्टर शो करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। लाइक देखेंगे CV350 में आपको रिफ्लेक्टर साइड में देखने मिलता है, बट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर बात करूँ डिस्क की, तो डिस्क थोड़ा सा छोटा है, 350 में आपको 310 mm का मिलेगा, बट मिटियोर में आपको 300 mm का डिस्क देखने को मिलेगा। बाकी 19 इंच का अलॉय व्हील होगा, टायर साइज आपको अराउंड 100/90 दोनों का ही टायर साइज सेम मिलेगा, अलॉय व्हील सेम ही देखने में मिलेंगे, बट थोड़ा सा फर्क आता है जो कि है डिस्क में। बाकी फ्रंट में आपको जो डिस्क है वो यहाँ वाइब्रेर का यूज़ है, बाकी आपको CV350 में अलग होगा, यहाँ पर अलग डिस्क यूज़ मिलेगा। बाकी मडगार्ड जो है मिटियोर में, तो आई थिंक ये फाइबर है, मेटल नहीं है, बट CV350 में आपको मेटल देखने को मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट है CV350 के साथ। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा साइड लुक पे मीटियोर पे। मीटर पे अगर मैं सबसे ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट के सीधे फ्यूल टैंक की बात करूं, तो यहाँ आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर देखेंगे यहाँ रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, इस यहाँ पर लुक काफ़ी बढ़िया निकल के आता। अभी अगर मैं बात करूँ मीटियोर 350 के इंजन की, तो यहाँ आपको 349 cc सिंगल सिलेंडर 4-वॉल्व BS6 Phase 2 इंजन देखने के लिए मिलता है, जो जनरेट करेगा 20.2 PS की पावर एंड 27 Nm ऑफ पीक टॉर्क, मतलब कि 20.2 BHP की पावर एंड 27 Nm पीक टॉर्क, 5-speed गियरबॉक्स में ये देखने के लिए आपको मिलता है, काफ़ी बड़ी। मैं आपको यहाँ मीटियोर 350 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, मीटियोर 350 की, और कुछ इस तरीके का लुक आता है। अभी हम चलते हैं होंडा CV350 की तरफ, तो होंडा CV350 के साथ अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ आपको फ्यूल टैंक थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 15.2 यहाँ पर लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और साइड में आपको थाई पैड्स देखने को मिल जाते हैं, जो मीटियोर में आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ पर CV350 में आपको यहाँ पर थाई पैड्स देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ होंडा की ब्रांडिंग होगी, लाइक दोनों में ही आपको अलग अलग अपने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ इंजन का तो लुक है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज निकल के आता है, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी निकल के आती है अगर बोला जाए रॉयल इनफील्ड के कंपैरिजन में, तो यहाँ मिंट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा दिया है, यहाँ पर क्वालिटी वाइज थोड़ा सा वर्क किया गया है। बाकी अगर बात करूँ इसके इंजन की, तो 348 cc सिंगल सिलेंडर 4-वॉल्व BS6 Phase 2 इंजन रेडी देखने को मिलता है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो BHP है वो 20.7 BHP की पावर, मतलब 0.5 आपको ज़्यादा मिलेगा मिटियोर से। और वहीं बात करूँ मैं इसके
इसके टॉर्क की, तो यहाँ आपको 29 टॉर्क देखने मिलता है, मिटियोर में आपको 27 टॉर्क मिलेगा, मतलब दो टॉर्क का फर्क आएगा दो पॉइंट्स का। बाकी यहाँ पर और ऑल अराउंड आपको दोनों ही चीज़ें सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ आपको फुट पैड्स देखने मिल जाते हैं, ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, और साइड में देखें कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिलेगा। दोनों का ही एग्जॉस्ट का कंपैरिजन कर देते हैं, यहाँ एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर क्रोम देखने के लिए मिलता है, बाकी मिटियोर के अंदर भी आपको क्रोम देखने के लिए मिलता है। बाकी कुछ मॉडल्स होंगे जिसमें अलग अलग आ जाएगा, लाइक आपको इस और ब्लैक मैट में आता है एक कलर, उसमें ब्लैक मैट कलर का एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अभी हम चलते हैं CV350 के थोड़े से रेयर लुक की तरफ। तो रेयर लुक में सबसे पहले अगर बात करूं मैं टायर की, तो यहाँ CV350 का टायर जो है वो आपको 130x70 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ टायर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ डिस्क साइज जो है वो 240mm डिस्क साइज देखने के लिए मिल जाता है, और जो ब्रेक हैं वो वही सेम पुराने यूज़ किए गए हैं जो फ्रंट में हैं। बाकी यहाँ सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी थोड़ा सा और रेयर की बात करूँ CV350 की, तो यहाँ आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ रिफ्लेक्टर और यहाँ पर लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो लाइट विजिबल करेगी। CV350 का अगर रियर लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का रियर लुक निकल के आता है, काफी बढ़िया रियर लुक निकल के आता है, काफी अच्छा है। अभी हम चलते हैं मिटियोर 350 के रियर लुक की। तो मिटियोर 350 में सबसे पहले मैं अगर इसके टायर की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट निकल के आता है CV350 से, क्योंकि उसमें आपको 240mm डिस्क मिलेगा, यहाँ 270mm का डिस्क मिलेगा विद ABS स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन होंगे, दोनों सेम है, बट टायर साइज आपको 140 मिलेगा, जो कि आपको CV350 में 130 मिलता है, मतलब टायर साइज यहां पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है CV350 से। अभी हम आते हैं रेयर लुक में, यहां प्लस पॉइंट की जगह थोड़ा सा नेगेटिव माइनस पॉइंट देखने को मिलता है CV350 के साथ, जिसमें आपको इंडिकेटर जो है वो मिलेंगे जो होते हैं LED में, यहां आपको हैलोजन बल्ब इंडिकेटर मिलेंगे, बाकी टेल लाइट जो है वो LED के साथ मिलेगी। बाकी ये जो ग्रैब हैंडल्स वगैरह है ये एक्सेसरीज पार्ट होता है, जिस पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है, अगर आप कंपनी से फिटर लेंगे तो आपको नॉर्मल सा देखने के लिए मिलेगा। बाकी टेल लुक अगर दिखाऊं तो टेल लुक कुछ इस तरीके का निकल के आता है। अभी मैं बात करूं इसकी सीट की और ग्राउंड क्लीयरेंस वगैरह की, तो यहां आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाती है, मेन राइडर के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट निकल के आता है, पिलियन राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। सीट हाइट जो है वो आपको 765 सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है, ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसका अंदर देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा है सीट हाइट वगैरह। और वहीं मैं बात करूं CV350 की सीट की, तो यहां भी आपको सेम स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी मिटियोर से, यहाँ पर आपको 800mm सीट हाइट मिलेगी, 170 ग्राउंड क्लीयरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी कंफर्ट की अगर बात करी जाए तो कंफर्ट दोनों का ही बहुत अच्छा निकल के आता है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, काफ़ी बढ़िया है। अभी थोड़ा सा हम चलते हैं CV350 के ऊपर के लुक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करें हैंडल बार की, तो यहाँ आपको कुछ स्विचेस नॉर्मली देखने के मिलते हैं, यहाँ आपको पासिंग लाइट देखने मिल जाती है, बाकी यहाँ देखेंगे हॉर्न देखने मिल जाता है, हॉर्न चला के दिखा देता हूँ, हॉर्न क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। बाकी नीचे देखें यहाँ इंडिकेटर्स का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, बाकी थोड़ा सा नीचे चलें यहाँ आपको पूरा क्रोम में देखने को मिलता है इसका हैंडल बार, बाकी यहाँ पर आपको सेल्फ देखने के लिए मिल जाता है, बाकी मैं दोनों का ही साउंड आपको सुनाऊंगा। यहाँ सेल्फ देखने को मिल जाता है, जो कि है साउंड स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट हो जाती है, साउंड काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाकी अगर बात करें यहाँ नीचे आपको स्विच देखने मिलेगा, एक हैजार्ड स्विच का मतलब पार्किंग लाइट का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। अभी अगर बात करें इसके मीटर की, तो यहाँ आपको डिजिटल मीटर कंसोल यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें देखें साइड में कुछ ब्लिंकर्स आपको देखने मिलेंगे, बाकी एक छोटी सी अंदर डिस्प्ले मिलेगी जिसके अंदर अलग अलग इंडिकेशंस होंगे, लाइक न्यूट्रल और गियर ऑप्शन और यहाँ पर टाइम फ्यूल ऑप्शन और यहाँ पर वाट्स वगैरह बैटरी के देखने के मिलते हैं। यहाँ आपको एक नॉर्मल स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ इसके डिटेल्स हैं यहाँ की। अभी हम चलते हैं मिटियोर की तरफ। तो मिटियोर के सबसे पहले मैं हैंडल बार की बात करूं, तो यहां पर हैंडल थोड़ा सा इसका वाइड देखने को मिलता है एस कंपेयर CV350। यहां देखेंगे यहां आपको कुछ स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ कुछ स्विचेस देखने को मिलेंगे जिसमें आगे की तरफ आपको पासिंग लाइट देखने के लिए मिलेगी, पासिंग लाइट ये होगी, आगे एक स्विच देखने मिल जाता है, और यहां पर आपको इंडिकेटर हॉर्न नॉर्मली ये थोड़ा सा लाइट देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर CV350, उससे लाइट देखने मिलेगा। बाकी यहां आपको सेल्फ देखने के लिए मिल जाता है, स्टार्ट कर देते हैं, साउंड सुना देते हैं आपको। एज कंपेयर CV350 आपको साउंड यहाँ पर थोड़ा सा थम्पी देखने को मिलता है, उसमें आपको थोड़ा सा लाइट साउंड देखने मिलेगा, बट हाँ वहाँ डुक डुक की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा
पीक पे आती है, यहाँ पर थोड़ी नॉर्मल आती है। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ भी पार्किंग लाइट, मतलब हैजार्ड स्विच यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। अभी बात करूँ इसके मीटर की, तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर के अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल यूनिट तो मिलती है, बट यहाँ एक ट्रिपोमीटर देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वर्किंग है या नहीं वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ पर देखें एक स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है, नीचे न्यूट्रल, ABS, इंजन लाइट और बैटरी लाइट। बीच में एक स्क्रीन होगी जिसमें आपको टाइम वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, टाइम हो गया, इको हो गया, गियर हो गया, और यहाँ ट्रिप वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और कितने किलोमीटर चली है वो भी देखने मिलेगा। ऊपर आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो है कुछ इन दोनों की ही बेसिक सी डिटेल। अभी अगर बात करूँ इन दोनों के ही प्राइसिंग्स वगैरह की, तो प्राइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको CV 350 में दो वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें प्राइस का फर्क आता है। लाइक 1,99,000 एक्स शोरूम से लेकर 2,18,000 तक एक शोरूम जाता है CV 350 का। और वहीं अगर मैं बात करूँ मीटियोर 350 की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर ये जो प्राइसिंग है 2,06,000 से स्टार्टिंग है, मतलब 2,05,900 से स्टार्टिंग होके 2,29,000 तक एक शोरूम जाते हैं। इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे, CV 350 के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। तो क्या कुछ प्राइसिंग होने वाला है वो आप शोरूम्स वगैरह से विजिट कर सकते हैं। बाकी का अगर मैं प्राइस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में ये प्लस पॉइंट लेती है, क्योंकि सबसे पहला तो इसका प्राइस आपको काफ़ी वर्थ इट और काफ़ी नॉर्मल सा देखने मिल जाता है। कम इस सेगमेंट में इतने अच्छे फीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा प्राइसिंग ये देती है। वहीं अगर बात करूँ मैं मीटियोर की, तो मीटियोर में थोड़ा सा प्राइस वगैरह आपको हायर देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसमें भी आपको बेस मॉडल देखने के लिए मिलेगा, बट उसका भी प्राइस जो है वो 2,06,000 एक शोरूम निकल के आता है, तो करीब 6,000 से 7,000 का डिफरेंस आता है। बाकी का कैसा लगा है वीडियो, कैसा लगा है ये कंपैरिजन, हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इससे रिलेटेड हम और भी वीडियो लाते रहते हैं। बहुत ही जल्द इसका वीडियो आपको क्लासिक के साथ कंपैरिजन और SD वगैरह जावा वगैरह के साथ भी आपको कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।